गुड मॉर्निंग, लेट्स कंटिन्यू ऑन आवर न्यू टॉपिक ऑडिट सीलिंग ऑन नंबर्स ऑफ ऑडिट। इसका मतलब सीलिंग मीन्स लिमिट क्या है, एक ऑडिटर कितने कंपनी के ऑडिट कर सकता है, उसके बारे में कंपनी एक्ट रूल्स क्या बोलते हैं देखते हैं। सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट प्रोविजन ऑफ द एक्ट, द ऑडिटर हु हैज बीन अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139 हैज टू कंप्लाई विद सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज जी। याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है कि सीलिंग ऑफ ऑडिट किसमें है, सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज जी में। ऑब्जेक्टिव ऑफ सीलिंग, मकसद क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सच सीलिंग इज टू प्रिवेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑडिट इन फ्यू हैंड। मकसद यही है कि भाई कुछ लोगों के हाथ में हर कंपनी का कारोबार न आ जाए। क्लियर, हाउ दिस कंप्लायंस कैन बी एंश्योर्ड। तो सीधी बात है, पता कैसे चलेगा कि ये ऑडिटर सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो बिफोर अपॉइंटमेंट और री अपॉइंटमेंट, अगर जब भी आप ऑडिटर को अपॉइंट करते हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे शेयर होल्डर हो, चाहे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हो, कोई भी हो, वेदर कोई भी कंपनी हो, प्राइवेट गवर्नमेंट कंपनी, अ सर्टिफिकेट इन रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन बाय द कंपनी फ्रॉम द ऑडिटर रिगार्डिंग कंप्लायंस ऑफ सच सीलिंग। यानी बोलना क्या चाह रहा है कि कायदा ये बोलता है कि जब भी आप ऑडिटर को अपॉइंट या रीअपॉइंट करते हो तो उसके पास से आप रिटर्न में ले लो कि उसके पास कितनी कंपनी सील करने की कैपेसिटी है, चेक करने की कैपेसिटी है। मींस ऑलरेडी वो 14 कंपनी का कर रहा है, 15 कंपनी का कर रहा है, 8 कंपनी का कर रहा है, वो रूल्स ले लो। सीलिंग इन केस ऑफ इंडिविजुअल, अब अगर मैंने बताया था कल पहले ही लेक्चर में बताया था कि इंडिविजुअल भी होते हैं, एसोसिएशन और फर्म भी होते हैं। तो अगर इंडिविजुअल है तो एक ऑडिटर मैक्सिमम 20। देखो द सीलिंग नंबर ऑफ ऑडिट स्टैंड एट 20। 20 कंपनी से ज़्यादा कंपनी का ऑडिट एक सीए नहीं कर सकता। तो वही बात अगर फॉर्म की आ जाती है तो जैसे एग्जाम्पल, वो भी मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हम चार जन सीए हैं, चारों चार सीए का फॉर्म चला रहे हैं, तो यहाँ कंडीशन 20 की नहीं है। सपोज हम चार लोग हैं तो चारों चार पार्टनर है, तो एक पार्टनर मैक्सिमम 20 कंपनी को सीलिंग कर सकता है। द सीलिंग इज 20 कंपनीज पर पार्टनर ऑफ द फॉर्म। एनी पार्टनर, ये ध्यान देना, एनी पार्टनर हु इज इन फुल एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर इज नॉट टेकन इन टू अकाउंट। याद रखना, ये हमने डिसक्वालिफिकेशन में पढ़ा था कि अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट फुल टाइम कोई जगह काम कर रहा है तो ऑडिट करने के लिए रूल्स में प्रिस्क्राइब नहीं होता। तो इसी तरह पार्टनरशिप फर्म में कोई ऑडिटर कोई जगह फुल टाइम, पार्ट टाइम, फुल टाइम जॉब कर रहा है तो उसके 20 कंपनी को इंक्लूड नहीं करना है। क्लियर, ये हुआ सीलिंग ऑफ नंबर्स ऑफ ऑडिट। अब हमने ये भी पढ़ा ला, रोटेशन भी होना जरूरी है, मैंडेटरी रोटेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। मैंडेटरी मींस कंपलसरी, रोटेशन मींस चेंज करते रहना, बदलते रहना। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर हैज नोटिफाइड द कंपनी रूल्स 2014। अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स रोटेशन ऑफ ऑडिटर हैज बीन मेड कंपलसरी फॉर लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी। देखो यहाँ पे ऐसा मत समझना कि लिस्टेड की बात हो रही, क्योंकि जो हमने अपॉइंटमेंट के अंदर क्वालिफिकेशन भी सब देखा था वो बहुत कंपनी के बारे में आ गया, लिस्टेड एज वेल एज अनलिस्टेड। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स रोटेशन ऑफ ऑडिटर हैज बीन मेड कंपलसरी फॉर ऑल लिस्टेड कंपनी एज वेल एज अनलिस्टेड कंपनी विथ शेयर कैपिटल ऑफ मोर देन 10 करोड़। याद रखना, कितना शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा, उनको रोटेशन करना कंपलसरी है। ऑल प्राइवेट कंपनी, लिस्टेड नहीं, प्राइवेट कंपनी
विद पेड अप कैपिटल ऑफ 20 करोड़, जिनका पेड अप कैपिटल 20 करोड़ है उनको भी ऑडिटर को रोटेट करना जरूरी है। एंड ऑल कंपनी विद पब्लिक डिपॉजिट ऑफ मिनिमम 50 करोड़, ये सब एमसीक्यू में आ सकता है कि लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी की बात हो तो शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपीज से ज़्यादा होना चाहिए, प्राइवेट कंपनी की बात हो तो उसका पेड अप कैपिटल, देखो शेयर कैपिटल ने पेड अप में फ़र्क है, पेड अप कैपिटल 20 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। ने उसके अलावा जितनी भी कंपनी जिसमें पब्लिक डिपॉजिट 50 करोड़ से ज़्यादा है तो उसको कंपल्सरीली रोटेशन करना पड़ेगा। ये सब लिखते जाना बुक्स में, एमसीक्यू में आ सकता है। द मैंडेटरी रोटेशन ऑफ ऑडिटर हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बोथ एट इंडिविजुअल एज वेल एज फर्म लेवल, दोनों दो जगह पे कि अगर इंडिविजुअल ऑडिटर हो तो भी रोटेट करना पड़ेगा और अगर अपने फर्म को ऑडिटर के तौर पर रखा है तो उसको भी रोटेट करना पड़ेगा। If joint auditor has been appointed, होता है जितनी बड़ी बड़ी बहुत बड़ी कंपनी होती है तो वहाँ पे लोग को से काम करवाने के लिए वो एक से ज़्यादा ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, तो if joint auditor has been appointed, the rotation of auditor may be done in such a manner that both or all of the auditor, suppose दो हो या दो से ज़्यादा हो, all of the auditor do not complete their term in the same year, बहुत बड़ा पॉइंट बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सपोज ए लिमिटेड के अंदर तौसीफ भाई भी ऑडिटर है और विनास भाई भी ऑडिटर है तो दोनों दो ऑडिटर का एक साथ टर्म खत्म नहीं होना चाहिए, क्लियर, ये रूल्स है। नंबर 3, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट, None of the company can appoint or reappoint. अब देखो नीचे बताया है उसको अपने reappoint करना चाहे तो नहीं कर सकते, बदलना पड़ेगा, rotate करना पड़ेगा, कौन? तो number 1, individual auditor for not more than one term of 5 consecutive year. तो मैंने कल ही आपको बताया था subsequent auditor जो select होता है वो फर्स्ट मीटिंग से लेके 6 एनुअल जनरल मीटिंग तक काम होता है, तो वही बताया कि इंडिविजुअल ऑडिटर नॉट मोर देन वन टर्म, उसको एक टर्म से ज़्यादा के तौर पे आपको ऑडिटर नहीं रखना है, क्लियर ना। अगर तुमने फॉर्म के लिए करा है ऑडिट फॉर्म इंक्लूडिंग LLP, चाहे ऑडिट फॉर्म हो या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो, उसको नॉट मोर देन 2 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर यानी 10 साल, जो मैंने ऑलरेडी कल आपको एक्सप्लेन कर दिया है, क्लियर। कॉमन पार्टनर रिस्ट्रिक्शन, नो ऑडिट फर्म हैव कॉमन पार्टनर विद द अदर ऑडिट फर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो फर्म हैविंग कॉमन पार्टनर विद से अदर ऑडिट फर्म हुज टेन्योर हैज एक्सपायर्ड इन इंडिविजुअल इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर शैल बी अपॉइंटेड ऑडिटर ऑफ द कंपनी फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए कि जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें कि मैं ऑडिटर हूँ, इंडिविजुअल भी हूँ, पार्टनरशिप में भी है, तो मेरे को रिटायर करके मेरे फर्म को तुम नहीं ले सकते, समझ में आया, कंसेक्यूटिव, हाँ बदल के कर सकते 10 साल बाद, 12 साल बाद, 5 साल बाद, पर एक टर्म के बाद तुरंत दूसरा टर्म उसको रिपीट नहीं किया जाएगा। ये तुम्हारा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कि अगर बैंकिंग कंपनी हो तो RBI के रूल्स के मुताबिक एवरी 4 ईयर में रोटेशन होगा, अगर इंश्योरेंस कंपनी है तो IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट के मुताबिक एवरी 5 साल में इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिटर रोटेट होगा। नेक्स्ट वन इज रेम्यूनरेशन, ये भी शॉर्ट नोट या MCQ में कुछ आने के चांसेस ज्यादा है कि अगर तुम ऑडिटर सिलेक्ट करते हो तो उसका रेम्यूनरेशन कैसे नक्की होता है। सेक्शन 142 ऑफ द एक्ट provide the remuneration of auditor of a company is fixed by appointing authority, याद रखना, जैसे first auditor कौन appoint करता है, board of director, तो common है उसका remuneration कौन decide करेगा, board of director, अगर जो subsequent auditor या तो जो auditor annual general meeting या extraordinary general meeting में select होता है तो उसका remuneration shareholder general meeting में नक्की करेंगे। अगर कोई ऑडिटर जो गवर्नमेंट कंपनी, तो हमने पढ़ा था गवर्नमेंट कंपनी के अंदर ऑडिटर को अपॉइंट सबसे पहले करेगा CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो
अगर पब्लिक कंपनी का ऑडिटर है तो उसका आप सैलरी रेम्यूनरेशन भी, उसका रेम्यूनरेशन भी शेयर होल्डर एनुअल जनरल मीटिंग या ईजीएम के अंदर नक्की करेंगे। द जनरल मीटिंग में इवन डेलीगेट पावर टू फिक्स द रेम्यूनरेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये भी एमसीक्यू में आ सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पगार भी कौन नक्की करेगा, इतना पावर दिया हुआ है, कौन करेगा? शेयर होल्डर। रेम्यूनरेशन इंक्लूड वोट। अब रेम्यूनरेशन में कौन सी चीज़ आ जाती है? तो फर्स्ट पॉइंट फीस टू ऑडिटर, ऑडिटर का पगार, ऑडिटर की जो फी है वो, प्लस एक्सपेंसेस इफ एनी, अगर कोई ऑडिटर खर्चा करता है ऑडिटर मियाँ, आने जाने का, ट्रैवलिंग, लिविंग, तो ये सब भी कंपनी को उठाना पड़ेगा। एंड नंबर थ्री, कॉस्ट ऑफ एनी फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू ऑडिटर। अगर कोई कॉस्ट करते कंपनी, जैसे कोई ऑडिटर आता है तो उसको रहने के लिए घर दिया जाता है, होटल में रूम दिया जाता है, तो अगर कोई खर्चा होता है तो वो सब खर्चा भी कंपनी ही उठाएगी। क्लियर? ने सब नक्की कौन करेंगे? शेयर होल्डर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी क्वेश्चन शॉर्ट नोट में आ सकता है। रिमूवल ऑफ एन ऑडिटर, रिमूवल का मतलब ऑडिटर को रिमूव करना। कब निकाल सकते? तो हमने पढ़ा था, एक तो रिजाइन कर देगा, या तो डेट, या तो कोई डिसक्वालीफाई हो जाएगा। इसको अब डिटेल में देखते हैं। एग्जाम में आपका क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, 15 मार्क में क्वेश्चन, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ ऑडिटर, क्या अपॉइंट कैसे करना है और रिमूव कैसे करना है, ये 15 मार्क में कॉमन पूछ सकते हैं। तो रिमूवल ऑफ ऑडिटर फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। याद रखना, दोनों दो चीज पढ़ना है कि ऑडिटर के एक्सपायरी है 3 साल की, सपोज 3 साल बाद वो, उसको रीअपॉइंटमेंट करना है या तो रोटेशन करना है, तो उसको रिमूव कब करना है, यानी उसका टर्म जो ख़त्म नहीं हुआ उसके पहले क्या तुम निकाल सकते हो? तो बताए, यस, द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन इज टू मेक द रिमूवल ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर डिफिकल्ट। स्पेशल रिजोल्यूशन, द एक्ट प्रोवाइडेड द रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म रिक्वायर स्पेशल रिजोल्यूशन एंड अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आपने कोई ऑडिटर को सिलेक्ट किया है कुछ पर्टिकुलर, सपोज एग्जांपल के तौर पे हमने ये ऑडिटर को नेक्स्ट मीटिंग तक के लिए सिलेक्ट किया है, मगर आधे में से निकालना है, तो कॉमन आधे में से कब निकाल सकते हो? तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कंपनी एक्ट का कायदा क्या बोलता है कि शेयर होल्डर स्पेशल शेयर एनुअल जनरल उसका स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जाएगा। रिजोल्यूशन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 2/3/4 मेजोरिटी होनी चाहिए। कितनी मेजोरिटी होनी चाहिए? 3/4। 3/4 का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली 75% लोगों की मंजूरी होनी चाहिए, मगर साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल होना भी ज़रूरी है कि इसको हम तुम क्यों निकाल रहे हो। क्लियर? अगर रूल्स, बहुत बड़ा पॉइंट है कि हम निकाल भी सकते हैं, तो कायदे ने कुछ बेनिफिट भी दिए। क्या बेनिफिट दिया? तो सीधा बताया, द ऑडिटर शैल बी गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड बिफोर बींग रिमूव। डायरेक्टली निकाल नहीं सकते, निकालने के पहले ऑडिटर की भी कुछ प्रॉब्लम्स, तकलीफ हो, उसको भी सुनना पड़ेगा। क्लियर? इसको बोलते हैं नेचुरल जस्टिस, यानी ऐसा नहीं तुमने अपॉइंट जब आया तब अपॉइंट कर लिया, जब आया रिजोल्यूशन पास करके निकाल दिया। ऑडिटर को सुना जाएगा कि भाई क्यों निकाला जा रहा है, तू बता क्या प्रॉब्लम्स है। ने कंपनी रूल्स क्या बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स द एप्लीकेशन टू बी सेंट्रल गवर्नमेंट इज टू बी मेड विद इन 30 days ऑफ बोर्ड रिजोल्यूशन। ये भी MCQ में आया कि हमने ऊपर पढ़ा कि उसको एक्सपायरी टर्म के पहले निकाल ले तो रिजोल्यूशन पास करेंगे, तो ऐसा जरूरी है कि रिजोल्यूशन पास करने के 30 दिनों के अंदर तुमको सेंट्रल गवर्नमेंट में इसकी एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। एंड पॉइंट नंबर टू, 30 days याद रखना। एंड कंपनी पास स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग विद इन 60 days ऑन द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ने जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट में उन लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो उसके 60 दिन के अप्रूवल आने के 60 दिन के अंदर उनको इसका काम पूरा करना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा हुआ रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। अब आता है रेजिग्नेशन। अगर ऑडिटर टर्म पूरा करने के पहले रिजाइन कर देता है, तो जो रिमूवल था वो सेक्शन 140 सब सेक्शन 1 था, रिजिग्नेशन आता है वो सेक्शन 140 सब सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 3 के अंदर इसके बारे में दिया हुआ है।
अब यहाँ पे ऑडिटर जा रहा है तो ऑडिटर को लिखाना देना पड़ेगा. देखो लिखा हुआ है द ऑडिटर हु हैज बीन रिजाइन फ्रॉम द कंपनी सेल फाइल विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन. कितना फाइल विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days. डेज याद रखने के कहा 30 आते कहाँ 60 आते कहाँ 90 आते किसको करना है. 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिजाइग्नेशन अ स्टेटमेंट इन प्रिस्क्राइब फ्रॉम विद द कंपनी एंड रजिस्टर इंडिकेटिंग द रीजन एंड अदर फैक्ट एज मे बी रिलेवेंट. यानी 30 दिनों के अंदर उसको स्पेसिफिक फॉर्मेट में कंपनी में और रजिस्टर कंपनी की जो रजिस्टर ऑफिस होती है वहाँ पर भेजना पड़ेगा कि वो क्यों छोड़ना चाहता है और उसके पीछे रीज़न एंड कंडीशंस क्या है. अगर वो ऑडिटर गवर्नमेंट का हो इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी एंड गवर्नमेंट ऑन और कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट द ऑडिटर सेल फाइन सच स्टेटमेंट विथ CAG. लिस्टेड अनलिस्टेड में रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी में भेजना पड़ेगा कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस में. मगर अगर पब्लिक कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी तो वहाँ पे CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को भेजना पड़ेगा कि ऑडिटर क्यों छोड़ना चाह रहा है उसके पीछे रीजंस क्या है प्रॉब्लम्स क्या है. अब देखो एक बेनिफिट भी क्योंकि ऑडिटर छोड़ के जा रहा है तो रूल सबके लिए कॉमन. इफ ऑडिटर डज नॉट फाइल द स्टेटमेंट इज अबव यानी ऑडिटर ने स्पेसिफिक जो उसको टाइम दिया है उसमें अपने रीजन के साथ डिक्लेयर नहीं करता देन ऑडिटर शैल बी पनिशेबल विथ अ फाइन ऑफ नॉट लेस देन 50,000 बट विच में एक्सटेंड टू 5,00,000 यानी 50,000 से ज़्यादा और 5,00,000 तक का जुर्माना ऑडिटर पे आ सकता है अगर उसने वो स्पेसिफिक रूल्स के मुताबिक अपने आप को रिजाइन नहीं किया. अब इसमें कॉमन है पहले तो हमने निकाल दिया दूसरा हो गया रिजाइन तो दोनों दो संजोगों में हमारे कंपनी का ऑडिटर हमको छोड़ के चले गया. तब ये संजोगों में जब तक नेक्स्ट मीटिंग नहीं होती वहाँ तक तो ऑडिटर सिलेक्ट करना पड़ेगा तो कोई ना कोई तो कंपनी में ऑडिटर चाहिए क्योंकि रूल्स क्या है कि कंपनी का ऑडिट करना कंपलसरी है. तो वो आता है सेक्शन 140 सब सेक्शन 4 और 5 में अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर. तो प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ऑडिटर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर इज एज फॉलो. नंबर 1 स्पेशल नोटिस शैल बी रिक्वायर्ड. याद रखना स्पेशल नोटिस शैल बी रिक्वायर्ड फॉर अ रिजोल्यूशन एट AGM एक्सेप्ट इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी व्हेन द टर्म ऑफ ऑडिटर एक्सपायर्ड टू मैंडेटरी रोटेशन. अगर मैंडेटरी है रोटेशन तो कोई दिक्कत नहीं है मगर वो भी लिस्टेड कंपनी के लिए. बाकी तुमको स्पेशल नोटिस रिजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर. ऑन रिसीप्ट ऑफ नोटिस जैसे ही तुमने वो स्पेशल नोटिस बाहर पाड़ी द कंपनी सेल फोर्थ विच सेंड अ कॉपी ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर. तो कंपनी क्या करेगी पूरा के पूरा वो नोटिस रिटायरिंग ऑडिटर को भेज देगी. वेयर नोटिस इज गिवन ऑफ सच रिजोल्यूशन द रिटायरिंग ऑडिटर मेक रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग टू द कंपनी एंड इट्स रिक्वेस्ट टू मेंबर ऑफ द कंपनी क्लियर. तो उसके बाद ऑडिटर क्या करेगा ऑडिटर उसके मुताबिक रिस्पॉन्स देगा. बराबर अब क्या रिस्पॉन्स देगा तो देखो इन एनी नोटिस ऑफ द रिजोल्यूशन गिवन टू मेंबर स्टेट द फैक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन हैव बीन मेड. बेसिकली सिंपल वर्ड में बोला गया कि वो बताएगा कि भाई क्या है क्या रीज़न है हकीकत क्या है. कंपनी इज रिक्वायर्ड उसके बाद कंपनी क्या करेगी ऑडिटर ने तो अपना स्टेटमेंट दे दिया तो कंपनी वो स्टेटमेंट की कॉपी रिक्वायर्ड टू स्टैंड अ कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू एवरी मेंबर. यहाँ पे एवरी मेंबर का मतलब होता है शेयर होल्डर. एंड इफ कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेंट इज नॉट सेंड देन अ कॉपी शैल बी फाइल विद रजिस्टर. मगर कंपनी पास इतना समय नहीं है या तो कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हर मेंबर को कॉपी ना सेंड कर सके तो कंपनी को वो कॉपी ऑडिटर के रिप्रेजेंटेशन का स्टेटमेंट रजिस्टर में फाइल करना पड़ेगा. क्लियर यहाँ पे तुम्हारा टॉपिक अवर होता है किसका रिमूवल एंड सीलिंग ऑफ ऑडिट.